एसपी के निर्देशन में मनगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 घंटे से जारी है नशे कारोबार के अड्डे में सर्चिंग। भारी मात्रा में मिली नशीली कप सिरप, डीएसपी एवं साइबर सेल टीम के साथ 4 थाने के प्रभारी एवं पुलिस कर्मी कर रहे हैं कार्यवाही। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एसपी विवेक सिंह के निर्देशन में नशीली कारोबारियों के अड्डे में बड़ी कार्यवाही की गई है। 10 घंटे से 3 थानों की पुलिस एवं साइबर सेल टीम एवं पुलिस के विशेष स्क्वाड के द्वारा मनगवां थाना के मनिकवार पुलिस चौकी अंतर्गत तमहा गांव में की जा रही है कार्यवाही। अलग अलग घरों से एवं नहर के पास से मिल रहा है भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक में लगभग 80 पेटी से अधिक नशीली कफ सिरप बरामद हो चुकी है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कल रात में ही बड़े वाहन में नशीली कफ सिरप की खेप उतरी है, जिसकी सूचना मुखबिर ने रीवा एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव एवं एसपी विवेक सिंह को सीधे दी थी। इसके बाद रीवा एसपी के द्वारा टीम गठित करके इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार मनगवां थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मी सिरमौर एसडीओपी के द्वारा कार्यवाही जारी है। अभी भी नशे के अड्डों में लगातार सर्चिंग जारी है। इस कार्यवाही के बाद नशा कारोबारियों में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौके से संजू सिंह की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजू सिंह अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया है और भी कई आरोपी बनाए गए हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।